साइड में नहीं, नहीं बहुत ही खुशी की बात है। सांवरिया फिल्म्स ने ये जो प्लानिंग की है, फिल्म जिसका आज मुहूर्त है, फिल्म का नाम है मगध सम्राट। और अभी अभी हमारे बिहार सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि आप बिहार के कलाकारों को प्रमोट करें, फिल्म के विषय वस्तु बिहार से रिलेटेड हो तो और अच्छी बात है। बिहार सरकार पूरी तरीके से सहयोग देने के लिए तैयार है ओरिजिनल भाषा, क्षेत्रीय भाषा में बनने वाले फिल्मों को, तो उसी के अंतर्गत, उसी के तहत इस फिल्म की प्लानिंग की गई है। और अभी बिहार के जो बड़े ही चर्चित गायक हैं संतोष रेणु यादव जी, जिनके कई सारे गाने बड़े हिट हुए हैं, बहुत सुपरहिट हुए हैं, तो एक तो वो बिहार के रहने वाले हैं, और चूँकि हमारा प्लानिंग है कि हम वहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ाएं, उनके मतलब भविष्य का जो है अच्छा प्लानिंग करके उनको अच्छा ब्रेक दे, उसी के अंतर्गत ये मगध सम्राट की प्लानिंग की गई है। और एक ख़ास बात ये है कि हमारे संतोष रेणु यादव जी को वहाँ मगध सम्राट की उपाधि से नवाजा भी गया है, तो इस आधार पे हमने ये प्लानिंग की है कि मगध सम्राट सांवरिया फिल्म्स के बैनर तले बनाने की योजना बनाई है। फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे कि नाम है ऐतिहासिक लेकिन आज के दौर के जो नहीं, बिल्कुल फिल्म जो है हमारी बिल्कुल मॉडर्न पैटर्न की है, आज के ज़माने की कहानी है, ठीक है। मगध सम्राट नाम सुनने से ऐतिहासिक सम्राट अशोक की याद दिलाती है, तो वो उस ज़माने के अशोक रहे जिन्होंने अपने राज्य के लिए बहुत सारे भलाई के कार्य किए। कुछ उससे प्रभावित है कि ये जो हमारा फिल्म का जो नायक है इस ज़माने में कैसे समाज की भलाई करता है, कैसे विरोध जताता है, मतलब गलत चीज़ों के प्रति कैसे बगावत करता है, जो सिस्टम है, जो गलत सिस्टम है उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाता है, उस पर आधारित है हमारी फिल्म। और काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच है इस फिल्म में, कुछ रियल कंटेंट डाले गए हैं जो आपको इस फिल्म के बनने के बाद आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फिल्म जो है पूरी तरीके से रियल है, आपको ये एहसास कराएगी कि हम सच्चाई से सामना कर रहे हैं। जी संतोष जी, आप क्या करना चाहेंगे विष्णु जी वेलु के निर्देशन में आप काम करने जा रहे हैं? सबसे पहले कि हम आप सभी मेरे सहभागी भाइयों, मीडिया कर्मी, मेरी पूरी टीम सांवरिया फिल्म्स, मैं पूरी टीम को हार्दिक कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम नहीं सोचे थे कि मेरी पहली मूवी का डायरेक्शन विष्णु सर करेंगे, ये मैं सपना भी नहीं सोचा था, लेकिन ये मेरी सौभाग्य है, आप लोगों की दुआ है। और सबसे बड़ी दुआ है हमारे जो ऑडियंस हैं उनकी दुआ है, वो मेरे भगवान हैं, और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और ये संभव हो पाया, जिसमें आप लोगों की बहुत बहुत हद तक। जिसमें आपका ये पोस्टर में तीन अलग अलग लुक दिख रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह किरदार निभाने वाले? जी हाँ, ये जो फिल्म है, चूँकि नाम तो देख ही रहे हैं, नाम है मगध सम्राट, तो जाहिर सी बात है एक एंग्री तो लुक है ही एंग्री, बट मगध सम्राट जो है जहाँ तक एक रियल स्टोरी पर आधारित है, बिहार की एक राजनैतिक पृष्ठभूमि है, रियल स्टोरी है, उसी पर आधारित है। और इसमें चूँकि जो कैरेक्टर है, जो हीरो जो है वो फाइट करता है जो बैड एलिमेंट्स हैं उससे, और बैड एलिमेंट्स से फाइट करते करते एट लास्ट उसकी प्रेमिका से भी बगावत हो जाती है, और उसके बाद तब वो फिर जिंदगी को अलग मोड़ पे लेके चला जाता है, फिर वहाँ से कहानी मुड़ती है, फिर आगे देखेंगे। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डायरेक्टर साहब, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, विष्णु शंकर वेलू जी, जिनकी बहुत सारी फिल्में, बलमा बिहार वाला जो खेसारी भैया को लेकर के बनाया था इन्होंने, बलमा बिहार वाला 2 जिसमें रितेश जी और कल्लू जी थे, तो
ऐसे बहुत सारे इनकी फिल्म सुपरहिट रह चुकी है। और हमारे प्रोड्यूसर साहब प्रकाश सर जो सावरिया फिल्म्स के एमडी हैं और को प्रोड्यूसर हमारे डॉक्टर राजेश प्रसाद यादव और गुड्डू यादव जी, जिनकी कोशिश है और जिनके आशीर्वाद की बदौलत ये सब कुछ संभव हो पाया। हमारी पूरी इंटायर टीम नीतीश यादव, सुमन जी, विकास जी, अवस्थिमान जी, तंजीम रायन जी, बहुत सारे लोग हैं। मैं इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सभी लोग बात करें, जैसे आपके हिट गाने हैं तो गानों की बात चर्चा हो जाए तो कोई दो लाइन या होगा जहाँ से आपके एक नेम फेम बना उस गाने के बारे में। जी जैसे मैंने 2012 में मेरा एक एल्बम हिट हुआ था एंगल म्यूजिक से, जिसका नाम था हायर आलूचप, जिसके गाने थे एक गाने जो कि बहुत नाम कमाया था, आप लोग का आशीर्वाद मिला था, उसका नाम था मजा मार लेना तकिया लगा के। उसी में एक गाना था हमारा लहंगा में से चुआ ताटे नौ रतन तेल। उसके बाद फिर मैं एमसीए करने के लिए आ गया गैलगोटिया, और उसके बाद फिर मेरे को यहीं से मैंने गाना गाया जगह पे जाता संजीवनी से, जाए दे जानी तो जगह पे जाता। ये सब गाने हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। अभी हिट गाने जो आपके लेटेस्ट कोई गाने हैं? जी हाँ, लेटेस्ट एक गाना है जो बिहारी वुड से आ रहे हैं, मगहिया जवान। उसमें मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त खुशबू उत्तम जी ने मुझे साथ दिया है अपनी आवाज़ों से, और अच्छी चल रही है। हरे तैयारा में गई नी तो छूना ही पहले, अच्छा परा में सब साला छक्का भेटले। ये हमारा लाइन नहीं है, ये लड़की का लाइन है, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़की है उस तरह की तो कुछ भी बोल सकती है। हर कियारा में केहू तो छूना ही पहले, छपरा में सब साला छक्का भेटले। कुछ काम नहीं किया मुंह फटा। अब यहाँ पे लड़का बोलता है अरे तहियो मगहिया जवान घुसा दे वो मुंह में काटा। की देही अलग लयालु चाप ये जीजा, हलोटे जैसे छोटी पसाप ये जीजा, आज दिन ही में कुंडी लगा के मजा मार लना तकिया लगा के, आज नीचे ही चटाई बिछा के। अरे किधर ली पलेन राजधानी चाहे मेल, हमारा लहंगा में से कि हमारा लहंगा में से चुआ ताटे नवरतन तेल। एक और गाने हरि लहे लहे डाला न बहुते दुखाता। ये चूड़ी की बात है, इसमें अब लोग अब जो समझे लहे लहे डाला हो, लहे लहे डाला न बहुते दुखाता। लड़का बोलता है जाए दाए जान इत जग है पजाता जाए। मैं सब मुहूर्त से मैं बहुत खुश हूँ, और मैं संतोष रेणु जी को एक बार ही ये कहानी सुनाया और उन्होंने एक बार में ही अपना जो कहानी था मुझे पसंद उनको पसंद आया और बोले ठीक है मैं काम करना चाहता हूँ। हम भी बोले कि ठीक है मैं सावरिया फिल्म से मैं इसे रिलीज करूँगा, मैं प्रोड्यूस करूँगा और मैं भोजपुरी को उस मुकाम पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ तक अपना भोजपुरी जाए और नाम हो। और क्या कहना चाहेंगे आप पूरी टीम को जो डायरेक्टर हैं हीरो हैं? और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं यही कामना करूँगा किसी तरह मैं एक लोग मिल के एक अच्छा मूवी बनाए और पब्लिक में दे। मनोज जी बात करें आपके बगल में जो खड़े हैं इनके बारे में बताइए। ये हमारे को प्रोड्यूसर जी है, नाम बताइए इनका। राजेश प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे आप लोग मिलकर के फिल्म बना रहे हैं? फिल्म बोलो जी जी क्या मगध सम्राट फिल्म के हीरो हैं डायरेक्टर जो हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संतोष रेणु जी बहुत अच्छे कलाकार हैं और इसको अच्छा से बनाएंगे इस फिल्म को।
फिल्म के डायरेक्टर विष्णु जी हैं, उनके बारे में बताना चाहेंगे? विष्णु जी बहुत अच्छे जी हैं, विष्णु जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। ओके सर, ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। अपडेट कीजिए इस पिक्चर को, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो पहले की भोजपुरी से और अभी की भोजपुरी से बहुत अंतर है, और ये बिहार का एक रियल स्टोरी पे ये कॉन्सेप्ट है। मैं पहला ये जब स्टोरी सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बोला कि बिल्कुल मैं आपके साथ करूँगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। और हमारे पंकज भी बहुत अच्छे हैं, मुझे स्टार्टिंग से ही जानते हैं, और मुझे यहाँ पे आए और बोले विकास से ऐसा स्टोरी है, तो मुझे मैं सुना तो मुझे मैं बोला कि चलो करूँगा आपके साथ। और इतने बड़े सिंगर संतोष रेणु यादव जी, उनके मार्केट में काफ़ी गाने हिट हैं, तो मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने के लिए, तो मैं हमेशा आगे हूँ। इस फिल्म का राइटर मैं हूँ। राइटर राइटिंग करने के समय मतलब आप समझो कि फिल्म एक रियल स्टोरी पे, एक रियल स्टोरी मतलब बिहार का एक पृष्ठभूमि है मुजफ्फरपुर, उसके रियल स्टोरी पे कुछ आधारित फिल्में हैं, कुछ पुराने गाने हैं जिसको रिबैक करके हम लोग लेके आ रहे हैं, लोगों को अच्छा लगेगा। पहले का बहुत पुराना हिट गाना सब है, काफ़ी हिट गाना है, उसको रिबैक लेके हम लोग आ रहे हैं, अच्छे से लेके आ रहे हैं, और मेकिंग जितना अच्छा से अच्छा हो सके, क्योंकि विष्णु भी आए हैं, आप जान ही रहे विष्णु विष्णु सब डायरेक्शन उनका है, एज ए DOP भी मैं हूँ, एज ए कैमरा मैन हूँ फिल्म का। इसके नाते जितना अच्छा से अच्छा तकनीक यूज़ हुआ हो फाइटिंग, क्योंकि मूल रूप से एक क्रिमिनल के ऊपर फिल्म है, एक क्रिमिनल एंड एक आप मान के चलो कि एक बाजारू लड़की जो होती मतलब एक आप उसको नेगेटिव सेंस से मत लीजिएगा, उसकी स्टोरी बेसिकल थ्रिलर और क्रिमिनल क्रिमिनल बेस स्टोरी ज़्यादा है। और साथ में स्टार अभी देखते हैं, अभी तो आज मुलाकात हुआ है। फिल्म के डायरेक्टर वीलू जी हैं, किस तरह से मूवी बनाने वाले हैं, क्या आपने जो लिखा है जी जी उसको एकदम एकदम 100% उनसे मेरा डिस्कशन हुआ था, आज सुबह से डिस्कशन ही चल रहा था कि हम लोग कैसे करेंगे, क्या मतलब टेक्निकल फील्ड से GoPro जितना कैमरास होते हैं रेडून पे शूट करेंगे, 5D 5D यूज़ करना है फाइट वाइट में, फाइट मास्टर हमारे नेपाल के हैं, मेरे अच्छे फ्रेंड भी हैं सुभाष आंडी नाम उनका, और 5D एक रेड मैक्स GoPro अगर मतलब एक टेक्निकल पूरा टेक्निक यूज़ करेंगे फाइट सीन में, क्योंकि मेन बेस हमारे फिल्म का ना फाइट है, क्रिमिनल है और फाइट है, तो कुछ ना कुछ उसमें मज़ा आएगा। लव स्टोरी भी है लेकिन लव स्टोरी इंडोर लव स्टोरी है, आउटडोर लव स्टोरी का मज़ा अभी तक भोजपुरी दर्शक लिए बहुत इंडोर का भी ले, लेकिन ये फुल्ली इंडोर लव स्टोरी है, इसमें मतलब भोजपुरी आउटडोर शायद एक दो सॉन्ग जाएंगे जो कि ड्रीम सीक्वेंस में होंगे, बाकी सारे इंडोर लव सीक्वेंस। ये शूटिंग नवंबर दिसंबर से जाएगी, शूटिंग अभी हम लोग दिसंबर में दार्जिलिंग में हम लोग दो गाना शूट कर रहे हैं, और अपना बिहार का लोकल गांव जो जाकी स्टोरी है वहां से होगी, मुंबई में भी गाने शूट किए जाएंगे, एक गाना मुंबई का शूट है, बाकी दो गाना दार्जिलिंग में भी दिसंबर में, तो उधर फिलहाल जब थैंक यू कैमरा भी ले लो। हेलो, माय नेम इज नेहा खान, एंड ये जो मूवी आ रही है इसमें काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे, अब आगे तो मैं और कुछ बता नहीं सकती, आप लोग मूवी देखने के बाद ही सब समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। पूरी टीम को मैं यही कहूँगी कि बहुत सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत करेजी है, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इस मूवी से। हेलो हेलो, माय नेम इज सानिया खान, एंड मुझे ये मुहूर्त हुआ आज आप लोगों ने देखा, इस मूवी में काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे, डायरेक्टर एंड एक्टर इतने एफर्ट किया उन लोगों ने, हम लोग के साथ भी मेहनत किया, एंड आप लोग ज़रूर देखिएगा ये मूवी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को इस मूवी से, रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो आप लोग ये स्टोरी देखेंगे नॉर्मल भोजपुरी से बहुत डिफरेंस है इसमें, तो प्लीज़ देखिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है इस मूवी से, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी, थैंक यू, थैंक यू। तो इस प्रोडक्शन हाउस से जुड़े सारे मेंबर को, सांवरिया फिल्म से जुड़े हुए सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, एक अच्छी फिल्म बनाए ये, जैसा कि टाइटल से हमें दिख रहा है मगध पुत्र,
जो कि कंप्लीट मगध सम्राट सॉरी जो कि कंप्लीट बिहार से जुड़ी हुई फिल्म है। हमारा बेस है मगध को, बहुत पुराने टाइम से लोग जानते हैं और काफ़ी अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हमारे पंकज जी इसके DOP हैं, संतोष जो कि बिहार के एक अच्छे सिंगर हैं, काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, उनकी काफ़ी अच्छे गाने बजे हैं, ये इस फिल्म से लॉन्च हो रहे हैं। हमारे बेलू जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, विष्णु शंकर बेलू जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में दी हैं। मैं आशा करता हूँ कि वो एक अच्छी फिल्म बनाएंगे और आप सबों का अच्छा मनोरंजन होगा। और हमारे भोजपुरी का एक जो थोड़ा सा ट्रैक है उससे कुछ हटके लग रहा है ये फिल्म और आशा करता हूँ कि एक अच्छी फिल्म बने। संतोष जी आप क्या कहना चाहेंगे? हमको बहुत अच्छा लगा और ये मगध सम्राट एक बहुत अच्छी पिक्चर है जिसको सारे भोजपुरी वासी सराहेंगे और देखेंगे, और कुछ अलग हट के प्रयास है और हमारी शुभकामना फिल्म को है। शुभकामना ही नहीं, इनका एक गाना भी है, छुपा रहे हैं। चलिए, आप लोगों का प्यार है जो हमें आप सम्मान देते हैं और आप सबका धन्यवाद करता हूँ, मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग यहाँ आए और हम लोग को इज्जत बख्शे, इसके लिए तहे दिल से सबको शुक्रिया है। पहले तो मेरे जितने भी जनता जनार्दन हैं, मेरी ऑडियंस है, उनको मेरा ममता आपकी उससे बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। और जैसा कि संतोष जी की फिल्म आने वाली है मगध सम्राट, ये सच्ची घटना पर आधारित है और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और एक न्यू स्टार आपके सामने आ रहे हैं, तो जिस तरह आप लोग हम लोगों को प्यार दिए वैसे ही संतोष जी को भी प्यार दीजिएगा, इनको बहुत सुपर हिट कीजिएगा प्लीज़। इसमें आप कितने गाने गा रही हैं, क्या करना चाहेंगे? अभी तक तो ये तय नहीं है कि मैं कितने गाने गा रही हूँ, पर जो भी गाने मैंने अब तक जो सुने वो सारे गाने बहुत अपने आप में एकदम सुपर हिट सॉन्ग्स है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं छोटे बाबा जो कि वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मेरे, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस फिल्म को बहुत प्यार देंगे। बात करें हिट गानों की, कोई दो लाइन हो जाए आपके हिट गानों की, ये दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। कोई ऐसा गाना गाओ जो आप भी साथ दे सकें संतोष जी। संतोष जी आप लोगों के सामने बहुत आपको प्यार दिए थे, बहुत बड़ा हिट हुआ था ये गाना। हो झंप मर जो बन जले जनरेटर, झंप मर जो बन जले जनरेटर, डोले कमरिया तो हिले थिएटर, झंप मर जो बन जले जनरेटर, डोले कमरिया तो हिले थिएटर, निकले है दिल से बड़ी आह कि वाह वाह धक्क चकड़ चक्क चकड़ वाह, कि वाह वाह धक्क चकड़ वाह, धक्क चकड़ धक्क चकड़ धक्क चकड़ वाह वाह धक्क चकड़ क्या। ये गाना आप लोगों की तरफ से बहुत सराहा गया, बहुत प्रेम मिला मुझे इस गाने से, तो थैंक्स टू ऑल। मैं इनके गाने को मैं बहुत प्यार से सुनता हूँ। तो कोई ऐसा गाना इनका जो हिट हो जिसमें कि मेल आप गाने फीमेल ले गा सकें? हम तो यही चाहेंगे कि ये जो गाना है मजा मार लग तक ये लगा के चूँकि आ रहा है इस फिल्म में, तो फीमेल ये गाए और मेल में बस हम आ गए। तो गा चुके हैं आप दूसरा कोई, इनका कोई हिट गाना जो माटी से खोदे काटी से क्या वहाँ तो पिया था, आप तो यहाँ देवरा को ले ले आए। चलिए बहुत अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट भी। और इस गाने को आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। हमके बताओ सखी ससुरा के बात हो, हमके बताओ सखी ससुरा के बात हो, कैसे कटाल सैया जी के संग रात हो, कि हम ता ढूंढी मुनले, हम ता ढूंढी मुनले रह।
कहानी पियारी माटी से पियावा मुआ न खोदे कांटी से ओ हमता ढोड़ी मुनले रहनी पियारी माटी से पियावा मुआ न खोदे कांटी।